अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। ये ब्लॉग था, हम तकरीबन हमारी पूरी रूटीन का एक दिन का जो फ्राइडे का दिन था, और इसमें मैं आपसे शेयर करूंगी सुबह नाश्ते से लेकर तकरीबन रात डिनर तक का रूटीन हमारा, कैसा गुजरा हमारा दिन। सामने से व्यू तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह से ये विंडो से हमारे नज़र आता है। इतना प्यारा मौसम हो गया है और अच्छी खासी ठंड हो गई थी, और अभी आपको दिखाते हैं। काफ़ी टाइम से हमारा प्लान बन रहा था कि हमें बीच पे जाना है, तो वो भी इस वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ कि हम कहाँ गए और कौन से बीच गए। उसके बाद हम लोग तकरीबन सुबह 9 बजे हम चले गए थे नाश्ते के लिए, और ये था हमारा एरिया जहाँ पे हम बैठ के रोज़ाना नाश्ता कर रहे हैं आजकल। जुमे की नमाज़ के बाद हम लोग निकल गए थे तकरीबन 1:30 बजे तक फनातीर बीच जाने के लिए, और इस वक्त हम रास्ते में, और आपको मैं आगे दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत बीच है। जो भी यहाँ पे रहने वाले हैं वो अगर जुबैल आते भी हैं तो इस बीच पे वो ज़रूर जाएं। मामा क्या हो रहा है, मजा आ रहा है? कौन सी जगह पे हम लोग? अब ये तुम्हारा भाई जो इच्छा था फिर से उसको याद आ गया हैं? ओ, क्या हुआ अजलान, क्यों रो रहे बेटा? अभी 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 तो आप आए थे वहां से, होकर ठंडा हो रहा है पानी ना। ओ देखो अरे फिश दिख रही है बकायदा। अजलान काफ़ी डर रहा था पानी से। ये अभी हम इससे पहले जब पाकिस्तान अभी गए थे, जब भी हम बीच पे गए थे तो वहाँ पे भी काफ़ी डर रहा था। वैसे तो पानी से पानी का बहुत शौक है उसको, लेकिन यहाँ पे जो लहरों की आवाज़ आती है, वेव्स आती हैं, तो उस चीज़ से वो डर रहा था। तो वहाँ पे तो वो एडजस्ट हो गया था थोड़ी देर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था उसको एडजस्ट होना।
फिर उसके बाद कुछ देर के लिए मैंने उसको ले लिया था कि मैं ज़रा देखती हूँ कि मेरे साथ जाता है पानी में या नहीं जाता। तो बस डर रहा था लेकिन देख भी रहा था, चीज़ों को इंजॉय भी कर रहा था। तो यहाँ पे मैं अज़लान को लेकर बैठ गई थी और सामने आपको नज़र आ रहे होंगे फराज, वो देख रहे थे। यहाँ पे पानी इतना साफ़ था और मछलियाँ इतनी ज़्यादा नज़र आ रही थी, छोटी भी थी कुछ बड़ी भी थी। बाबा हाय। पहले हमने छोटी छोटी देखी थी, अभी थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी है, और मैंने से थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी बड़ी भी देखी है। और ये हमारा बच्चा एक्शन में, मूड ऑफ है उसका। और ये मछली एक आ गई हमें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पकड़ लिया अपना एक कोना और मैं यहाँ पे अज़लान को देख रही हूँ और ये इस किनारे पे यहाँ पे लहरें आ रही हैं। अभी ये थोड़ा सा ना डर है लहरों से, इंजॉय भी कर रहा है लेकिन डर भी है। खैर बाबा गए हैं अभी नमाज पढ़ने के लिए। और अज़लान, अज़लान क्या हुआ बीबी? अज़लान नींद आ रही है सब। अब यहाँ से यहाँ पे इन्होंने स्विमिंग एरिया के हवाले से मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नो स्विमिंग आफ्टर सनसेट। तो बस अभी होने वाली है मगरिब कुछ देर में, हम लोग यहाँ से निकल के जाने वाले हैं। हमने सोचा कि क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई थी, अज़लान को कपड़े वगैरह उसके चेंज करके हम अब यहाँ से जाएंगे वॉक करते हुए। सामने एक मॉल है वहाँ पे कुछ खाते हैं जाके फिर के। चले हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़े से मिट्टी में हो रहे थे हाथ पैर, तो उस यहाँ से वॉश करके। और ये रहा अज़लान, इसको पूरा लपेटा हुआ है। सर्दी लग रही है अज़लान। अच्छा वो तो अलग अलग से बनाना है सारा। जितनी आवाम उस साइड पर है उससे कहीं ज़्यादा इधर बैठी हुई है इस एरिया में ग्रास पे। वैसे भी इन लोगों को पसंद है ग्रास वगैरह पे बैठना,
ये अपना वो लेके कैरी करते हैं बैठने की जगह। अभी भी उनके अंदर ये आदत है कि जहाँ पे खाते पीते हैं ना, ये उनके कचरा नहीं फेंकते, डस्टबिन लगा हुआ है, उठ के डस्टबिन में फेंकते हैं। अजलान सो गया है। सो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे है सेंटर पॉइंट और देखते हैं आगे क्या है एंट्रेंस। लेकिन हम यहाँ पे पहुँच गए हैं ग्लेरिया मॉल। ये है ग्लेरिया मॉल हम जा रहे हैं और ये है सामने फनातीर। तो यहाँ पे आ गया था हमारा खाना। हमने न्यूयॉर्क फ्राइज ऑर्डर किए थे और इसके अलावा हमारा ऑल टाइम फेवरेट मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर किया था और फिर खाना खा के हम निकल गए थे वापसी के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि खाना खाने के बाद हम चले गए थे सेंटर पॉइंट और वहाँ पे बहुत अच्छी विंटर कलेक्शन आई हुई थी। तो मैंने कुछ दो अपर्स वगैरह लिए वहाँ से। मे बी जद्दा में भी आए हुए हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे सेंटर पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा। इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर कुछ गलतियाँ हो गई हों तो माजरत उसके लिए, अभी मैं यहाँ पर नहीं हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।